आज हम बैंगन और आलू बना रहे हैं। बैंगन मैंने ये बट्टे वाला काटा है, आप चाहें तो लंबे भी काट सकते हैं। ये आलू बैंगन मैंने अच्छे से काट के धो के रख लिए हैं। आप देखें चाहे इतने पीस काटे चाहे बड़े काटे चाहे काटी है। ये हम मसाला बना रहे हैं। ये मैंने दो प्याज लिए हैं बड़े, अदरक और लहसुन और एक हरी मिर्च है वो नीचे चली गई है। इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये मैंने टमाटर भी काट के रख लिए हैं। प्याज पीसने के ये प्याज का मसाला पीसने के बाद टमाटर भी उसके बाद मिक्सी में पीस लेंगे हैं। और ये हमारी कढ़ाई रखी है गैस के ऊपर, इसको हम गर्म करते हैं। अभी ये कढ़ाई गर्म हो रही है, गैस को कम कर देते हैं। ये बैंगन मैंने धो के रखी है फ्रेंड्स। मैंने प्याज मिक्सी में पीस लिया है। ये प्याज बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया और पीस लिए हैं अच्छे से। प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च आप भी अपने कवाड़ी जितना आपको मसाला चाहिए उतना आप पीस सकते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, कढ़ाई में डालेंगे घी। घी गर्म हो रहा है, कढ़ाई में घी अच्छे से गर्म होता है। हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा और हींग डाल लेंगे हम। फ्रेंड मैंने ये बर्थे वाला बैंगन लिया है, इसको काटा है, इससे मैं आलू बैंगन बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस बर्थे वाले बैंगन के आलू बैंगन। मैं कढ़ाई में बना रही हूँ ताकि ये बहुत टेस्टी बने। अगर हम इसे कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में एक ही सीटी में बन जाते हैं और इसका टेस्ट अलग है। और जो लंबे बैंगन हम लेते हैं उसको भी हम इसी तरह ही बनाते हैं काट के, और उसका टेस्ट अलग आएगा। आप दोनों ही बैंगन का ट्राई करके देखिएगा। बनाने की विधि बिल्कुल सेम है। तो घी गर्म हो चुका है, जीरा डाल देते हैं थोड़ा सा और डाल देते हैं हींग चुटकी भर। गैस को कम किया, ये क्रैक हो गया अच्छे से, और इसमें डाल देते हैं मिक्सी में पीसा हुआ प्याज अदरक लहसुन लहसुन की पेस्ट। प्याज अदरक लहसुन की पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे ताकि प्याज कच्चा ना हो। मीडियम है, आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्याज को अच्छे से भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मसाला भून रहा है जो मैंने प्याज अदरक लहसुन का डाला था, और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। इसमें ये देखो कढ़ाई भी छोड़ दिया। इसको 2 मिनट और भूनेंगे अच्छे से, उसके बाद टमाटर डाल दें। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, थोड़ा सा और चेंज करते हैं ताकि कच्चे प्याज की खुशबू ना आए। प्याज को मीडियम आंच पे भूनना है, और मीडियम आंच पे भूनने में 5 से 7 मिनट लग गए हैं। और ये प्याज बिल्कुल बन चुका है, भून चुका है अच्छे से। घी छोड़ना शुरू हो गया है, तब तक भूने साइडों पे अच्छे से उतर जाता है। जब घी भून चुका होता है तो इस तरह से कढ़ाई छोड़ देता है अच्छे से भूना होता है, और घी छोड़ना शुरू कर देता है। घी तेल रिफाइंड ऑयल कुछ भी आप साल में जाए वो छोड़ना शुरू कर देता है। ये
सारा ऐसे हिलाओगे तो नीचे लगा दिखाई नहीं देगा, अच्छे से भून चुका है। अब ये मैं प्याज मैंने मिक्सी में सॉरी प्याज कह देती हूँ टमाटर मैंने मिक्सी के अंदर कर दिया है, इसको मैं डाल देती हूँ। एक टमाटर लिया है मैंने, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में पीस लिया। प्याज अदरक लहसुन की पेस्ट में भी मैंने थोड़ा सा पानी डाला था तब पीसा था। अब हम टमाटर डाल चुके हैं, अब डालेंगे नमक। टमाटर को अच्छी तरह से डाल देते हैं जो निकालना मिक्सी से। अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से पकना शुरू हो जाए। टमाटर को भी भूनने में हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे क्योंकि मीडियम आंच पे हम भून रहे हैं। अब डाल देंगे नमक, गैस को कर देंगे कम। कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। एक बार ये अच्छे से भून चुका है टमाटर डाल के, बहुत अच्छे से भूना है लेकिन इसे हमें एक बार और भूनना है। उसके लिए हम एक कड़छी पानी डाल लेंगे। एक कड़छी मैंने पानी डाल लिया, एक कड़छी पानी डाल के हम इसको अच्छे से और भून लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी कच्चा ना रह जाए। प्याज अदरक लहसुन टमाटर का पेस्ट है, इसको अच्छे से भूनने से ही टेस्ट आता है। बस कच्चे की खुशबू आती है मुँह में तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको एक बार फिर से भून लेते हैं। एक कड़छी और डाल देती हूँ और ऊपर ढक्कन रख दूँगी, स्टीम में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, गैस को कम किया हुआ है और स्टीम में अच्छे से इसको ढक्कन मैंने हटा दिया है। अब वो पानी को हमने सुखाना है जो मैं हमने 2 कड़छी पानी डाला था, उसको अच्छे से सुखाना है। तड़का अच्छे से भून चुका है, अब बस जो पानी अंदर था उसको सुखाना है। सुखाने के बाद इसके अंदर जो आलू बैंगन मैंने अच्छे से काट के धो के भिगोए हैं डाल देंगे। उस पानी को सुखा देना। अब मैंने थोड़ी आँच तेज की है, जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी आँच मीडियम भी कर सकते हैं, मसाला ना जले बस उसके पास ही रहना पड़ता है। हम जितने प्यार से पेशेंस से सब्जी बनाएंगे उतनी ही टेस्टी बनेगी। ये पानी अच्छे से सूख चुका है, मसाला बन चुका है। अब इसमें डाल देंगे आलू जो हमने छोटे छोटे काट के भिगो के रखे थे। गैस कम किया है ताकि मसाला ना जले, पानी नहीं डाला सिर्फ आलू डाले। अब डाल देंगे बैंगन, निचोड़ के डालेंगे। पानी हमने निकाल लिया, गैस सेम है, ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। 10 मिनट लगेंगे इसको बनाने में।
इसको ढक्कन को उठा के दिखा देती हूँ मैं। पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला था स्टीम के साथ, और जो आलू भी धोए थे ना उन्होंने पानी छोड़ा है। आलू बैंगन भी धोए थे। कढ़ाई में सब्जी को आधा घंटा लग ही जाता है, अगर कुकर में बनाएंगे तो ये एक ही सीटी में बन जाते हैं। कढ़ाई में ये भुने हुए का टेस्ट आता है, कुकर में बनाते हैं तो थोड़ा सा स्टीम वाला टेस्ट आता है, बॉयल वाला। फिर से ढक्कन लगा दिया मैंने, जो इसके अंदर पानी है उसी से लगता है बैंगन आलू बैंगन बन जाएंगे। अगर बाद में पानी कम लगेगा तो थोड़ा सा और डाल लेंगे। ढक्कन उठा कर देख लेते हैं 5 मिनट बाद, इसको बीच बीच में हिलाते नहीं, छोड़ना नहीं है। 5 मिनट बाद बोला तो 5 मिनट बाद ही ढक्कन उठाना है, नहीं बीच में उठाते रहना। इसमें सिर्फ हल्का सा कसर है, वैसे भी भून जाएंगे, थोड़े से आलू कच्चे हैं। हम इसके अंदर एक कड़छी पानी और डाल लेते हैं, एक कड़छी पानी डाल लेते हैं। अगर थोड़ा रसेदार खाना है बैंगन तो एक कड़छी और डाल लेते हैं, उससे रसेदार बैंगन बन जाएंगे। नहीं तो थोड़ा अगर सूखे बैंगन खाने हैं, आलू बैंगन की सब्ज़ी, तो एक कड़छी काफ़ी है। थोड़ा रस्से वाले खाने हैं तो मैंने 2 कड़छी पानी डाला है। इसको 5 मिनट और बनाना है, फिर ये पक जाएंगे, आलू बैंगन की सब्ज़ी बन जाएगी। सिम पे बना रही हूँ बिल्कुल अच्छे से, ताकि पानी भी जल्दी ना सूखे और आलू भी गल जाए। उनको सिम पे बना रहे हैं और इस तरह से हमें 5 मिनट लग जाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, फिर भी हम इसको हटा के देख लेते हैं नीचे ना ले। अभी 3-4 मिनट और लगेंगे, ढक्कन उठा के रख लेते हैं, स्टीम का पानी अंदर ही जाने देंगे। कुछ हम खट्टा डालते हैं या टमाटर डालते हैं तो सब्जी को थोड़ा टाइम लगता ही है, इसको आधा घंटा मिनिमम लगना है, आधे घंटे से 35 मिनट तक। अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा सा इसके अंदर जो पानी है उसी से ये बन जाएंगे। आपको हल्के से और ग्रेवी वाले चाहिए तो, रस्म से चाहिए तो थोड़ा सा पानी आप और डाल सकते हैं। आलू बैंगन अच्छे से बन चुके हैं, रस्म से आलू बैंगन अब इसमें डाल देंगे हल्का सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। तो आलू बैंगन बिल्कुल अच्छे से तैयार है, गरम गरम सर्व कर देते हैं। सर्व कर लेते, गैस कर दिया। फिर ऐसे मिश्र लपेटने से आलू बैंगन तैयार है, इस तरह से आप सर्व करें और गरम गरम खाएं। फ्रेंड्स, गरम गरम सब्जी तैयार है, आप भी खाएं, अपनों को भी खिलाएं, खुश रहें। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। थैंक यू।